आज सुबह हमीरपुर के बस स्टैंड से कुछ ही दूरी पर ट्रक चालक ने रोड पर बिछी बिजली की लाइन को तोड़ दिया, जिसकी वजह से हमीरपुर बस स्टैंड से लेकर भोटा चौक तक बिजली की सप्लाई अवरुद्ध रही। सुबह सुबह बिजली न होने के कारण लोगों को भी कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे ही बिजली विभाग को इस बारे में पता चला, उसके तुरंत बाद ही विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर इसे ठीक करने में जुट गई। जय हमीरपुर प्रशांत ने बताया कि जैसे ही उन्हें इस घटना का पता चला, वे मौके पर पहुंचकर काम में जुट गए। उन्होंने कहा कि जैसे ही ये काम पूरा हो जाता है, बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी। सुबह 6 बजे न्यूज मिली इसकी, तो हमने उस टाइम का सामान वगैरह अपना बंद कर दिया। उसके बाद हमने रिस्टोरेशन का काम शुरू किया। यहाँ पे हमारा भोटा चौक साइड होती थी, यहाँ पे टी वी सी लगा चुकी थी, उसका रिस्टोरेशन का काम चला था। उसके बाद अभी खैर चला हुआ है काम यहाँ पे रिस्टोरेशन का, ये देखते हैं थोड़ा एक आधे घंटे में ये चालू हो जाए। हमारे लाइनमैन ड्यूटी पे आए थे 6 बजे, तो शायद उनको फ़ोन आया होगा यहाँ पे बिजली टूट गई, इसलिए तार नीचे गिरी हुई थी, तो हमें इस चीज़ का पता चला था। बाकी तो गाड़ी वगैरह का था पूरी नॉलेज थी, मतलब इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। बाकी थोड़ा पी वी सी वगैरह का भी वायर टूटी है, वो है केबल का, तो उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। बाकी सप्लाई का थोड़ा सा है इंटरप्शन, बाकी तो कोई नुकसान नहीं है।